नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पटना जंक्शन बिहार से वडोदरा जंक्शन गुजरात तक चलने वाली सभी ट्रेन्स की जानकारी के बारे में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पटना से वडोदरा तक कौन कौन सी ट्रेन चलती है और उन ट्रेन्स की डिटेल्स के बारे में, जैसे कि उस जो भी पटना से वडोदरा तक कौन कौन सी ट्रेन चलती है उन सभी ट्रेनों के नाम और नंबर के बारे में, पटना के कौन से स्टेशन से वो ट्रेन जो है चलती है, या पटना या हाजीपुर या दानापुर से कौन से स्टेशन से वो ट्रेन जो है वडोदरा के लिए चलती है, और उस ट्रेन का नाम क्या है, नंबर क्या है, और वो जो ट्रेन है पटना से कितने बजे कौन से प्लेटफॉर्म से रवाना होती है, और वडोदरा में कौन से प्लेटफॉर्म पे कितने बजे पहुंचती है, और कितना समय लगाती है पटना से वडोदरा तक का डिस्टेंस कवर करने में, और कौन से दिन चलती है, और वो जो ट्रेन है उस ट्रेन में कौन कौन से कोचेस हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे फास्टेस्ट ट्रेन जो है इस रूट पर है वो है अजीमाबाद एक्सप्रेस, जो कि 25 घंटे 40 मिनट में अपनी जर्नी जो है कवर करती है, और सबसे स्लोएस्ट है मुजफ्फरपुर सूरत एक्सप्रेस, जो कि 41 घंटे 15 मिनट में अपनी जर्नी जो है कवर करती है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आगे बात कर लेते हैं एक एक करके पटना से वडोदरा तक चलने वाली सभी ट्रेन्स की जानकारी के बारे में। पटना से वडोदरा के बीच में जो सभी ट्रेन चलती है जो पहली ट्रेन है वो है आसनसोल अहमदाबाद वीकली एक्सप्रेस ट्रेन, जिसका ट्रेन नंबर है 19436। ये जो ट्रेन है हर इतवार को रात के 12:50 पे 4 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है, और 33 घंटे 4 मिनट बाद वडोदरा जंक्शन गुजरात में सुबह 9:54 पे 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे पहुंचती है। इसके तकरीबन 22 स्टेशन हैं, 895 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पर वो है 57 किलोमीटर पर आवर, और मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है। वेस्टर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है, सेकेंड एसी, थर्ड एसी स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। इसके अलावा एक पेंट्री कार का कोच भी शामिल है। कोच कॉम्बिनेशन के बारे में बात करें तो जनरल अनरिजर्व डिब्बों के 3 डिब्बे हैं, इसके बाद सेकंड एसी के 2 डिब्बे हैं, थर्ड एसी के 6 डिब्बे हैं, एक पेंट्री कार का कोच है, और 8 डिब्बे इसमें स्लीपर क्लास के हैं। इसके बाद जो दूसरी ट्रेन जो कि पटना को वडोदरा से कनेक्ट करती है वो है बरौनी अहमदाबाद एक्सप्रेस, जिसका ट्रेन नंबर है 19484। ये जो ट्रेन है दानापुर पटना बिहार से हफ्ते में 6 दिन चलती है, सिर्फ इतवार को नहीं चलती, बाकी सभी दिन चलती है। रात के 12:50 पे एक ही प्लेटफॉर्म से दानापुर से रवाना होती है, और 33 घंटे 4 मिनट बाद वडोदरा जंक्शन में सुबह 9:54 पे ये 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे पहुंचती है, और इसके तकरीबन 22 स्टेशन हैं, 1885 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पर वो है 57 किलोमीटर पर आवर। मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है, वेस्टर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है, और सेकेंड एसी, थर्ड एसी स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। इसके अलावा पेंट्री कार का कोच भी शामिल है। इसके बाद जो तीसरी ट्रेन इस रूट पर चलती है जो कि पटना को वडोदरा या छायापुरी से कनेक्ट करती है वो है गुवाहाटी ओखा द्वारका एक्सप्रेस ट्रेन, जिसका ट्रेन नंबर है 15636। ये जो ट्रेन है हर मंगलवार को सुबह 4:30 पे 4 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है, और 30 घंटे 50 मिनट बाद ये ट्रेन जो है वडोदरा जंक्शन के छायापुरी रेलवे स्टेशन पे सुबह 11:20 पे 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे पहुंचती है। इसके तकरीबन 18 स्टेशन हैं, 1732 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड इस रूट पर 56 किलोमीटर पर आवर है। मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है, और इसमें सेकंड एसी, थर्ड एसी स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। इसके अलावा पेंट्री कार का कोच भी शामिल है। इसके बाद पटना से छायापुरी तक चलने वाली जो अगली ट्रेन है वो है कामाख्या गांधीधाम एक्सप्रेस ट्रेन, जिसका ट्रेन नंबर है 15668। ये जो ट्रेन है पटना जंक्शन से हर गुरुवार को सुबह 4:30 पे 4 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है, और 30 घंटे 50 मिनट बाद छायापुरी वडोदरा में सुबह 11:20 पे 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे पहुंचती है। इसके तकरीबन 16 स्टेशन हैं, 1732 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड इस रूट पर 56 किलोमीटर पर आवर है। मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है, और अगर कोचेस के बारे में बात करें तो सेकंड एसी, थर्ड एसी स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। इसके अलावा पेंट्री कार का कोच भी शामिल है, एलएचबी कोचेस वाली ट्रेन है। इसके बाद जो अगली ट्रेन जो कि पटना को वडोदरा से कनेक्ट करती है वो है दरभंगा अहमदाबाद साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन, जो कि हर सोमवार, बुधवार, शनिवार को पटना के पास के स्टेशन हाजीपुर से सुबह 8:03 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है, और 38 घंटे 36 मिनट बाद छायापुरी में रात के 10:36 पे अगले दिन पहुंच जाती है 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे, और इसके तकरीबन 52 स्टेशन हैं, और 1695 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पर वो है 44 किलोमीटर पर आवर। मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है, वेस्टर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है, और
अगर कोचेस के बारे में बात करें तो इसमें सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। एलएचबी कोचेस वाली ट्रेन है। इसके बाद जो अगली ट्रेन इस रूट पर चलती है वो है पटना अहमदाबाद एक्सप्रेस ट्रेन, जिसका ट्रेन नंबर है 19422। ये जो ट्रेन है पटना जंक्शन से हर मंगलवार को सुबह 10:15 पर 2 या 3 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 28 घंटे का समय लेती है छायापुरी वडोदरा तक पहुंचने के लिए। छायापुरी में ये अगले दिन दोपहर के 2:15 पर 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुंचती है। इसके तकरीबन 26 स्टेशन हैं, 1562 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड इस रूट पर 56 किलोमीटर पर आवर है। मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है, वेस्टर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। सेकेंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं और ये एलएचबी कोचेस वाली ट्रेन है और इसका ट्रेन नंबर मैं दोबारा बता दूं 19422 है और पटना से छायापुर की दूरी जो है 28 घंटे में कवर करती है। इसके बाद जो अगली ट्रेन है वो है अंत्योदय एक्सप्रेस ट्रेन, जिसका ट्रेन नंबर है 1559। ये जो ट्रेन है हाजीपुर जंक्शन, जो कि पटना के पास का स्टेशन है, यहाँ से हर बुधवार को 8:10 पर 3 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 31:58 बाद छायापुरी वडोदरा में सुबह 4:08 पर 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुँच जाती है और इसके तकरीबन 23 स्टेशन हैं, 1597 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड इस रूट पर 50 किलोमीटर पर आवर है। अंत्योदय टाइप की ट्रेन है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। ये फुली अनरिजर्व ट्रेन होती है, इसमें सिर्फ जनरल डिब्बे के कोच होते हैं, तकरीबन 20 जनरल डिब्बे हैं और इसका टिकट किराया जो है हाजीपुर से छायापुरी तक का वो है 380 रुपये के करीब। बाकी आप अपडेटेड और सही किराया जो है रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म करें। इसके बाद जो अगली ट्रेन, जो कि सबसे स्लोएस्ट ट्रेन है सभी ट्रेनों में से, जिसका नाम है मुजफ्फरपुर सूरत एक्सप्रेस ट्रेन, जिसका ट्रेन नंबर है 19054। ये जो ट्रेन है हाजीपुर जंक्शन, जो कि पटना के पास का एक स्टेशन है, यहाँ से हर इतवार को 9:05 पर 3 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 41:15 बाद वडोदरा जंक्शन गुजरात में 2:20 पर 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुँचती है। इसके तकरीबन 23 स्टेशन हैं, 1956 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड इस रूट पर 47 किलोमीटर पर आवर है। मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है, वेस्टर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं और ये जो ट्रेन है एलएचबी कोचेस वाली ट्रेन है। इसके बाद पटना से छायापुरी के बीच में चलने वाली जो अगली ट्रेन है वो है पटना अहमदाबाद वीकली सुपरफास्ट क्लोन स्पेशल ट्रेन, जिसका ट्रेन नंबर है 09448। ये जो ट्रेन है पटना जंक्शन से हर शुक्रवार को 10:30 पर 2 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 26:03 बाद छायापुरी में इतवार के दिन 12:33 पर 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाती है। इसके तकरीबन 7 स्टेशन हैं, 1666 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है पटना से छायापुरी तक का और एवरेज स्पीड इस रूट पर 64 किलोमीटर पर आवर है। हम सफर टाइप की ट्रेन है, वेस्टर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। कोचेस के बारे में बात करें तो इसमें सिर्फ थर्ड एसी और स्लीपर क्लास के कोच हैं। थर्ड एसी के इसमें तकरीबन 12 कोच हैं और स्लीपर क्लास के इसमें तकरीबन 8 कोच हैं। एलएचबी कोचेस वाली ट्रेन है, क्लोन स्पेशल ट्रेन है। इसका किराया नॉर्मल ट्रेन से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इसके बाद पटना को वडोदरा से कनेक्ट करने वाली सबसे फास्टेस्ट ट्रेन जो है इस रूट पर और आखिरी ट्रेन भी है वो उसका नाम है अजीमाबाद एक्सप्रेस, जिसका ट्रेन नंबर है 12948। अजीमाबाद एक्सप्रेस ट्रेन जो है हर बुधवार और शुक्रवार को 11:45 पर 1 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 25:40 बाद छायापुरी वडोदरा में 1:25 पर 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाती है। इसके तकरीबन 17 स्टेशन से 1666 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड इस रूट पर 65 किलोमीटर पर आवर है और सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है, वेस्टर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। और अगर हम इसके कोचेस के बारे में बात करें, एलएचबी कोचेस वाली ट्रेन है, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। ये जो ट्रेन है पटना जंक्शन से, मैं दोबारा बता दूं, 11:45 पर हर बुधवार और शुक्रवार को चलती है और 25:40 बाद छायापुरी वडोदरा में 1:25 पर 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुँचती है। अगर कोचेस के बारे में बात करें तो जनरल डिब्बों के तकरीबन 4 कोच हैं जो कि इंजन की तरफ लगाए गए हैं, सॉरी ट्रेन के पीछे की तरफ लगाए गए हैं, जिसमें 8 कोचेस स्लीपर क्लास के भी हैं, 6 कोच थर्ड एसी के हैं और 2 कोच सेकंड एसी के भी इसमें शामिल हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ पटना से वडोदरा तक चलने वाली सभी ट्रेन्स की जानकारी की वीडियो जो है समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। इस तरह इस चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।